इलेवेंस करूंगा और इलेवेंथ फिजिक्स सीरीज में आपको रिलेटिव मोशन इन दन डायमेंशन और इसके पहले मैं आपको फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस किया था प्रेजेंटली हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन उसके बाद रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का क्लियर करेंगे राइट right? तो आप मुझे बताइए आप लोग कि ऑलरेडी आप काइनेमेटिक्स में रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो हम लोग को पता है कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म्स है दे आर नॉट एब्सोलूट एक्चुअली रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है जैसे आप देखो ये ओरिजिन है ये एक ऑब्जेक्ट है ए है ये ऑब्जेक्ट बी है और ये दोनों के जो मोशन को इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी कितनी है वी वी है और ये ऑब्जर्वर जो है ओरिजिन पर है वो उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा है और अब बताओ आपकी इसकी जो एक्स एक, से, एक से क्या है एक ही पोजिशन है विध रेस्पेक्ट टू ओरिजिन राइट और ये एक्स बी क्या है आपका पोजिशन ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और ये जो ऑब्जर्वर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है भी है और इसकी वेलोसिटी क्या है वीवी लेकिन यहां पर ऐसा भी हो सकता है रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि मोशन ऑफ ओन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी राइट जैसे कि अपन लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स ए बी एक्स ए बी का मतलब क्या हुआ पोजिशन ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वी ए बी वेक्टर वी ए बी तो इसका क्या वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ए बी तो एक्सलेन ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ए और बी बोथ आर मूविंग लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ए विध रेस्पेक्ट टू बी तो इसका मतलब क्या हो कि बी को हम लोग ऐसा अगर रेस्ट मान करके ए की वेलोसिटी को अगर बताएं तो वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है अपन को फाइव मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द वी दीयर

तो ये मतलब फीलिंग इसका ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द बी विध रेस्पेक्ट टू ए तो टेल मी कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ द बी टू ए बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए को क्या मान रहे हैं रेस्ट में मान रहे हैं और उसके सेंस में जो वेलोसिटी आपको फील हो रही है डेट विल बी कॉल बी वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ठीक है अब ये जो है जैसे मान लीजिए अब ये मैंने आपको दिखाया है ए की वेलोसिटी कितनी है इसमें फाइव मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ द बी तो ये देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो आ रहा है उसका कितना फील आ रहा है अगर मैं A को अगर जीरो मानता हूं ए को अगर मैंने रेस्ट मानता हूं तो बी की जो फिल आएगी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो गया फिफ्टीन मीटर पर सेकंड उसी तरीके से देखो आप वेलोसिटी ऑफ द ए विध रेस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी ऑफ द ए विध रेस्पेक्ट टू बी तो बी को हम लोग क्या मानेंगे रेस्ट में तो देखिए ये जो है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ द बी तो इसको हमने अपने क्या माना है रेस्ट में माना है राइट right? ये जो है रेस्ट में माना है तो अब जब ट्वेंटी मीटर पर सेकंड को हम रेस्ट बोल रहे हैं जीरो बोल रहे हैं तो फाइव मीटर पर सेकेंड को क्या बोलेंगे माइनस फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड राइट यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक से लिख दिया माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड ये एक्चुअली फिफ्टीन मीटर माइनस फिफ्टीन मीटर पर होगा तो वेलोसिटी ऑफ द ए विध रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड माइनस ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इट विल बी माइनस फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड अगेन मैं बता रहा हूँ तो बी को क्या मानेंगे रेस्ट में तो अपन लोग मन में क्या मानेंगे ट्वेंटी को जीरो बोल रहे हैं तो पांच को क्या बोलेंगे माइनस पंद्रह क्योंकि ट्वेंटी को आप जीरो बोल रहे हो तो फाइव को क्या बोलोगे माइनस फिफ्टीन बोलोगे ठीक है अच्छा ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताया लेकिन अगर मैथमेटिकली बोले तो इट इज नथिंग इट इज अ वैक्टर डिफरेंस राइट वेलिसिटी ऑफ द ए विध रेस्पेक्ट टू बी मीन बी ए माइनस बी बी BBA, of the B minus of the A. और फिर हम लोग इसको रियल uh, लाइफ में आने के लिए वेक्टर को रिमूव करते हैं तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ए तो इट इज भी ए माइनस इसका जो वैल्यू क्या होगा अंडर रुट भी ए स्क्वायर भी माइनस टू बी ए बीबी कॉसा राइट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ठीटा इज द एंगल बिटवीन भी एंड वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा ठीटा आधर ये तो जीरो डिग्री और वन एटी डिग्री ठीक है अगर दोनों बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन तो ठीटा क्या होगा जीरो स्क्वायर प्लस बीबीए स्क्वायर माइनस टू बी ए बीबी राइट तो इट विल बी मॉड ऑफ बी ए माइनस बीबी स्क्वायर फाइनली इट इज बी ए माइनस बी बी ठीक है तो इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो बोलो ठीठा कितना हो जाएगा अगर आपको थीटा 180 डिग्री डिग्री कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन हो जाएगा तो अंडरवुड स्क्वायर प्लस प्लस टू भीए राइट तो ये बी ए प्लस होल स्क्वायर तो फाइनली इट इज भी ए प्लस बीबी यहाँ बी ए इन टू भी होगा ठीक है और रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ द मोशंस रिलेटिव मोशंस इन द काइनेमेटिक्स जैसे अपन भीवल टू यू प्लस एटी होता है एक्स इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्ता है एंड स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस टू एक्स होता है तो अब इसमें आप रिलेटिव uh, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं मोड ऑफ वी रिलेटिव इज इकल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इन टू टी इसी तरीके से सब रिलेटिव टर्म में सब हम लोग कैनमेटिक्स के इक्वेशन को लिख सकते हैं ठीक है तो मैं एक बार आपको अगेन ये बता रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बस उसमें मेन की पॉइंट क्या है कि आप अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिख रहे हैं तो बी को आप भले बोथ आर मूविंग बट आप बी को क्या मान रहे हैं बोलो आप बी को मान रहे हो रेस्ट में ठीक है और उसके हिसाब से एक इमोशन को एक एडजस्ट करो इज दे रिलेटिव वेलोसिटी ओके तो उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे ठीक है और हम लोग इसमें कुछ सॉल्विंग वगैरह कुछ देखेंगे जैसे दिया हुआ है कि ये देखिए आपको दो सिटी दिया हुआ है एक अम्बाला है और इधर दिल्ली है और दोनों के बीच का डिस्टेंस टू हंड्रेड किलोमीटर है एंड इधर से एक जो बस है थर्टी किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है दूसरा ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो क्वेश्चन है दे विल क्रॉस अदर एंड इज द डिस्टेंस ऑफ द डेट क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम द अंबाला तो देखिए इसमें क्या करना है ये टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा रिलेटिव पोजिशन हो जाएगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मतलब पोजिशन ऑफ द बी विध रेस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ द ए विध रेस्पेक्ट टू बी तो यहां पर क्या है कि थीटा एंगल कितना है हंड्रेड एटी डिग्री आर अपोजिट टू ट्विच अदर ठीक है तो आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी किलोमीटर पर आवर राइट और रिलेटिव पोजिशन कितना हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा इट इज टू हंड्रेड किलोमीटर तो टी इज इक्वल टू हाउ मच टू हंड्रेड बाई फिफ्टी तो डैट विल बी फोर आवर ठीक है तो ये हो गया आपका मतलब कि टाइम लगा फोर आवर और ये मीटिंग पॉइंट क्या होगा ए की वेलोसिटी कितनी है थर्टी किलोमीटर पर आवर तो थर्टी इंटू फोर कर देंगे यहाँ से जो ये फोर टाइम आया हुआ है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ठीक है तो वन ट्वेंटी के डिस्टेंस पर ये मीटिंग होगी ठीक है और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है दिया है कि टू कार्स अप्रोच ईच अदर ऑन द स्ट्रेट रोड विथ वेलेटी टेन मीटर पर सेकेंड एंड ट्वेल मीटर पर सेकेंड मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है रेस्पेक्टिवली एंड दे आर हंड्रेड फिफ्टी मीटर अपार्ट Uh, both uh, both drivers apply बोथ बोथ ड्राइवर्स अप्लाई देअर ब्रेक्स एंड ईच कार पर सेकेंड स्क्वायर दे स्टॉप्स तो they will be when both are the held to halt? मतलब जब वो रुक जाएंगे तो उनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी ठीक है two cars approach. तो इसको हम लोग देखिए पहले सिचुएशनल देखते हैं ये आप फिगर में आप देखिए कार ए की स्पीड टेन मीटर पर सेकेंड है कार बी की ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड और ए का रिटार्डेशन जो है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी का टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अगर ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है यू स्क्वायर बाई टू ए तो आप इसका इनिशियल स्पीड कितनी है ट्वेंटी है सॉरी uh, टेन है तो टेन स्क्वायर बाई टू इन टू ए की वैल्यू रिटार्डेशन कितनी है टू uh, है इसमें ये रिटार्डेशन टू है तो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी ट्वेंटी फाइव मीटर मतलब यहां से ट्वेंटी फाइव मीटर पर यह रुक जाएगा और ये जो आपका बी वाला जो है उसका भी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा e है तो वो कैलकुलेट पर थर्टी सिक्स आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव प्लस 36 जो आप ऐड कर रहे हो तो डेट विल बी सिक्सटी वन एंड टोटल डिस्टेंस कितना है वन फिफ्टी है तो इसका मतलब कि वन फिफ्टी माइनस सिक्सटी वन तो कितना हो गया आपका एटी नाइन मीटर तो ये जो क्वेश्चन था कि जब वो दोनों रुक जाएंगे तो दोनों के बीच का जब दोनों रेस्ट में आ जाएंगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी तो डेट विल बी एटी नाइन मीटर राइट तो ये हम लोग जो बात कर रहे थे रिलेटिव मोशन इन द वन डायमेंशन ठीक है ना तो ये सब हमारी जो चीजें हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है रिलेटिव मोशन इन द वन डायमेंशन का और मैंने आपको बता दिया रिलेटिव मोशन द वन डायमेंशन या तो बोलिए वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो बी इज इन द रेस्ट और या तो वेक्टर डिफरेंस ठीक है और आपको मैं एक बार फिर ये बता रहा हूं कि ये दिवाली वैकेशन के बाद हम लोग ट्वेल्थ बोर्ड सीबीएससी जीएससी भी क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें एनसीआरटी वन टू वन सॉल्विंग और आपको रिवीजन फास्ट रिवीजन और हाई स्कोरिंग मेथड्स मतलब मेथलॉजी डेवलप कराया जाएगा बच्चों को थैंक यू ओके